डीआरडीओ के सीक्रेट प्रोजेक्ट को लेकर आई बड़ी खबर। चीन समेत पूरी दुनिया दहल गई भारत के डीआरडीओ के प्रोजेक्ट को देखकर। क्या अग्नि 5 मिसाइल से भी घातक मिसाइल है भारत के पास? दुनिया को एक चक्कर में मापने वाली भारत की मिसाइल की क्यों नहीं है अभी तक पूरी दुनिया को खबर? चीन की सारी मिसाइल फेल हुई भारत के सामने। भारत ने बनाया दुनिया को दहलाने वाला हथियार। दोस्तों, जिस तरह से भारत के पड़ोसी देश, खासकर चीन और पाकिस्तान, उसको देखकर भारत को हमेशा से दो पेंट बॉल के लिए तैयार रहना पड़ता है, इसी कारण भारत साल दर साल अपने डिफेंस बजट को बढ़ा रहा है। जिस तरह से चीन और पाकिस्तान मिलकर आपस में एक दूसरे की सैन्य रूप से मदद करते हैं और चीन पाकिस्तान को सैन्य हथियार से लेकर युद्धपोत तक सब मुहैया कराता है, उसको देखकर भारत को भी अपने सैन्य हथियारों की तादाद और घातक तकनीक दोनों को बढ़ाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, कई सालों से चला रहा डीआरडीओ का एक प्रोजेक्ट, जिसको लेकर अभी तक ज्यादा खबर नहीं आई, उसने पूरी दुनिया में बवाल मचा रखा है। दोस्तों, मैं आपको पूरी खबर बताने से पहले यह सुनिश्चित कर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में हम भारत सरकार और डीआरडीओ के इस प्रोजेक्ट की जो गोपनीयता है उसको पूरी तरह से बरकरार रख रहे हैं। हालांकि जो खबर अभी तक मेन मीडिया में आई है, केवल वही खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, भारत ने पिछले कुछ सालों में अपना रक्षा बजट बहुत अधिक बढ़ाया है, क्योंकि पड़ोसी पाकिस्तान के आतंकवाद और चीन से बढ़ती तनातनी की वजह से भारत को अपनी स्थिति और पुख्ता करने की जरूरत है। भारत ने कई बड़े देशों के साथ अहम रक्षा समझौते किए हैं, साथ ही साथ भारतीय वैज्ञानिक भी एक के बाद एक नई मिसाइलों को ईजाद कर भारतीय सेना को मजबूती देने की कोशिश कर रहे हैं। डीआरडीओ और इसरो दोनों ने ही भारत में कई अति आधुनिक तकनीक से लैस मिसाइलों का निर्माण किया है, जो देश की सेना की ताकत को और मजबूत बना रही है। दोस्तों, जिसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। पूरी दुनिया के बड़े और ताकतवर देश आज सुरक्षा के मद्देनजर लंबी दूरी की घातक मिसाइल विकसित करने पर ध्यान दे रहे हैं। दुनिया के कई देशों में इस तरह की मिसाइल मौजूद भी है। इन्हें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के नाम से जाना जाता है। इन मिसाइलों की रेंज दूसरे देश की सीमा के अंदर तक होती है। इनकी स्पीड, इनकी मारक क्षमता, दुश्मन से बचने की तकनीक, परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता, किसी जगह तैनात करने की खासियत ही इन्हें इतना खास बनाती है कि आज यह दुनिया के कई देशों की सबसे पसंदीदा हथियार है। दुनिया के कई बड़े देशों की तरह भारत के पास भी इसकी क्षमता है। इसके अलावा चीन, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, उत्तर कोरिया और फ्रांस के पास भी इस तरह की क्षमता है। ICBM की श्रेणी में शामिल होने के लिए यह जरूरी है कि वो मिसाइल 5000 किलोमीटर के दायरे या उससे अधिक के दायरे में निशाना लगा पाने में सक्षम हो। भारत के पास अग्नि 5 ICBM है। अग्नि 5 5 से लेकर 8000 किलोमीटर की दूरी तक सटीक निशाना लगा सकती है। इसको DRDO ने विकसित किया है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत डायनेमिक्स लिमिटेड करता है। 18000 मीटर प्रति घंटे से भी अधिक की स्पीड या 24 मैक की स्पीड से यह हवा को चीरती हुई दुश्मन पर सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। इसको सड़क से कहीं भी लाया ले जाया जा सकता है। ये ICBM पूरी तरह से ऑपरेशनल है। लेकिन दोस्तों, आज मैं अग्नि 5 मिसाइल के बारे में बात नहीं कर रहा, बल्कि DRDO के एक सीक्रेट प्रोजेक्ट, जिसके बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, उस बारे में बात कर रहा हूँ। DRDO का ये जो सीक्रेट प्रोजेक्ट है, कुछ और नहीं बल्कि भारत की ओर से दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों में से एक सूर्य मिसाइल है। दोस्तों, यहाँ मैं आपकी कंफ्यूजन थोड़ी दूर कर दूं कि सूर्य मिसाइल को आप भारत की हाइपरसोनिक सौर्य मिसाइल से तुलना मत कर लेना, ये दोनों ही अलग मिसाइल है। लेकिन दोस्तों, अभी भारत सूर्य मिसाइल पर काम कर रहा है, इसको लेकर बहुत ही कम खबरें आती हैं। हालांकि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 1994 से शुरू हो चुकी थी, लेकिन अभी तक इस मिसाइल के बारे में ज्यादा खबर बाहर निकल कर नहीं आई। ये मिसाइल कितनी घातक है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अब दोस्तों, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी मारक क्षमता यानी कि रेंज क्या होगी। मैं आपको बता दूं कि इसकी रेंज लगभग 16000 किलोमीटर होगी। दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत से अमेरिका की दूरी 12500 किलोमीटर है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह मिसाइल एक उड़ान में पूरी दुनिया को माप सकती है। और बात करें चीन की, तो यह मिसाइल मात्र 8 मिनट में चीन के बीजिंग शहर को पूरी तरह से राख में तब्दील कर सकती है। इसके पीछे कारण है इसकी तेज गति। दोस्तों, इसकी रफ्तार सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। भारत की सूर्य मिसाइल की रफ्तार लगभग 36000 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि Mach 29 की रफ्तार से यह दुश्मन देश पर हमला कर सकती है। दोस्तों, 40 मीटर लंबी और 70000 किलो वजनी भयंकर मिसाइल अगर किसी देश पर हमला कर दे, तो ये समझ लीजिए कि उसके आसपास के 100 से 200 किलोमीटर का एरिया पूरी तरह से राख में तब्दील हो जाएगा। दोस्तों, ये सूर्य मिसाइल MIRV टेक्नोलॉजी से भी लैस है।
मैं आपको बता दूं कि इस तरह की लंबी दूरी की ICBM आसमान में या फिर यूं कहें कि अंतरिक्ष की ऊंचाई तक जा सकती है। इसके बाद ये दोबारा धरती के वातावरण में दाखिल होकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती है। MIRV की दूसरी खासियत होती है ये मल्टीपल टारगेट को एक ही समय में हिट कर सकता है, इसलिए ये मिसाइल एक से अधिक वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। दोस्तों, दुनिया के दूसरे देशों के पास जो ICBM मौजूद है उनकी रेंज के बारे में भी देखते हैं। दोस्तों, अमेरिका के पास LGM-30 मिनटमैन 3 एक ICBM मिसाइल है जिसकी रेंज 10,000 किलोमीटर है। इसके अलावा LGM-30F मिनटमैन 2 की रेंज 11,265 किलोमीटर, LGM-30AB मिनटमैन 1 की रेंज 10,186 किलोमीटर, LGM-118 पेसकीपर की रेंज 14,000 किलोमीटर, टाइटन 2 की रेंज 16,000 किलोमीटर, टाइटन 1 की रेंज 11,300 किलोमीटर तक है। अमेरिका के पास 400 से अधिक ICBM मिसाइलें मौजूद हैं, जिसको उसने अपने 3 अलग अलग एयरबेस पर तैनात करके रखा है। इसी तरह से रूस के पास मौजूदा समय में 286 ICBM हैं। ये करीब 1,000 वॉरहेड ले जा सकती हैं। रूस की बात करें तो उसके पास सोवियत जमाने से लेकर अब तक 6,000 किलोमीटर से 18,000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली ICBM मौजूद है। RS-28 सरमट, RT-2UTTH टोपोल M, RS-24 यार्स, RS-26 रूबेज, UR-00M और SS-18 का नाम इसमें शामिल है। अब दोस्तों बात करें भारत के दुश्मन चीन की, तो चीन के पास DF-4 की रेंज 5500 किलोमीटर से लेकर 7000 किलोमीटर है, DF-31 की रेंज 7200 किलोमीटर से लेकर 11200 किलोमीटर है, DF-5 और DF-41 की रेंज 12000 से 15000 किलोमीटर तक है। DF-41 अपने साथ 10 वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। एक जानकारी के मुताबिक चीन की ये सबसे घातक मिसाइल सिनजियांग, किंघाई गांसू और इन्नर मंगोलिया में तैनात है। इस प्रोजेक्ट का नाम अंडरग्राउंड ग्रेट वॉल प्रोजेक्ट है। और दोस्तों, उत्तर कोरिया के पास हवासोंग 14-15-16 मिसाइल की रेंज 6,700 किलोमीटर से 13,000 किलोमीटर तक है। इसराइल के पास भी कथित तौर पर इस तरह की क्षमतावान मिसाइलें मौजूद हैं, हालांकि ये ऑपरेशनल नहीं है। अब दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब चीन की सबसे घातक मिसाइल डोंगफेंग, जिसको DF-41 के नाम से भी जाना जाता है, उसकी मारक क्षमता 15,000 किलोमीटर तक है, उसकी रफ्तार लगभग 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की है, यानी कि भारत की सूर्य मिसाइल से लगभग 10,000 किलोमीटर कम, और मारक क्षमता भी 1,000 किलोमीटर कम है। अब दोस्तों, वर्तमान में तो भारत के पास अभी तक अग्नि-5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी मारक क्षमता औपचारिक रूप से तो 5,000 किलोमीटर डिफेंस एक्सपो में थी, असली मारक क्षमता 5 से 8 हजार किलोमीटर नहीं बल्कि लगभग 10 से 12 हजार किलोमीटर है। और इसके अलावा भारत के पास सुपरसोनिक क्रूज शौर्य मिसाइल भी है, जिसकी मारक क्षमता कम है, लगभग 2,000 किलोमीटर, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइलों की रेंज कम ही होती है, इनकी रफ्तार ज्यादा होती है और इसकी रफ्तार लगभग 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। और दोस्तों, अब भारत के पास अग्नि-5 मिसाइल से लेकर शौर्य और सूर्य मिसाइल तक आ चुकी है। हालांकि सूर्य मिसाइल पर अभी तक कोई खबर सामने नहीं आई, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इसका लगभग 80% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, अब तो बस इसका परीक्षण करना बाकी है।